नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूँ आपके लिए। देखिए, हमारा टॉपिक प्रतिशत चल रहा था, आठ प्रतिशत टाइप हो में चुकी हैं। आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। देखिए, आज हम कर रहे हैं भिन्न संबंधी टाइप। जिसके भी समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए दोस्तों, आज हम प्रतिशत में भिन्न संबंधी टॉपिक कर रहे हैं। इसमें देखिए टाइप 9 है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने तथा हार में 12% कम करने पर 15/64 प्राप्त होता है, 15/64 प्राप्त होता है, तो वह भिन्न क्या है? देखिए, भिन्न पूछी है। भिन्न आपको पता है कि भिन्न होती है पी अपॉन क्यू के रूप में, जिसमें क्यू है वो होता है 0 के बराबर नहीं होता है। इसमें देखिए पी और क्यू दोनों होते हैं पूर्णांक, पूर्णांक होते हैं। देखिए पूर्णांक क्या होता है, बीच में 0 और राइट साइड में प्लस में होता है और लेफ्ट साइड में माइनस में होता है। देखिए, भिन्न के अंश को क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। भिन्न के हर को डिनोमिनेटर कहते हैं। देखिए, कह रहा है अंश में 10% की वृद्धि करने पर। देखिए, अंश में 10% की वृद्धि करेंगे। देखिए, पहले 100 था, अब 10% की वृद्धि कर दी तो कितना हो जाएगा? 110। तो पी के गुणा में क्या आएगा? 110 बटे में देखिए क्यों है भाई, अंश हो रहा है, हमने मान लिया, भिन्न मान लिया हमने पी अपॉन क्यू, तो क्यों नीचे आएगा? क्यों गुणा में क्या आएगा? 12% कम कर रहे हैं तो क्या आएगा? 12% कम कर दो, 100 था पहले, अब 12 कम करेंगे कितना आ जाएगा? 88 आ जाएगा। इक्वल में क्या बता रहा है? ये करने पर 15/64 प्राप्त होता है, तो 15/64 प्राप्त हो रहा है। देखिए देखिए इसमें क्या होता है, इक्वल में अगर अंश से अंश कटता है तो हम काट सकते हैं, अगर हर से हर कटता है तो हम काट सकते हैं। लेकिन हम देखिए, पहले 11 एकम 11, 1 0 है आगे तो 1 0 10 आ गया, अपॉन में 11 8 88। फिर देखिए, हमें हर से हर काट रहे हैं, कट रहे हैं, जब भी काट रहे हैं। देखिए, 8 8 जा 8 8 जा 64, तो ये कट गया 8 बार। अब उधर देखिए, 5 से कट रहा है, अंश में अंश से कट रहा है। देखिए, 5 2 जा 10 है, 5 3 जा 15 है। देखिए, ये 2 है, ये अंश में है, ये अगर इस साइड में आएगा तो हर में आएगा, हर में आएगा तो 8 2 जा क्या हो जाएगा? 16। और अंश में क्या है? 3। तो P अपॉन Q, जिसके सामने जो मान है वही उसका मान है, मतलब अंश का मान क्या है? 3, हर का मान क्या है? 16। तो ये तो हमारा आपको मैंने सिंपल बताया है। देखिए दोस्तों, इसको प्रूव कर देते हैं, अगर ये सही है गलत है। भिन्न क्या आ गई हमारी? 3/16 आई है, तो पी अपॉन क्यू का मान क्या रख देंगे? हमें 3/16। फिर बाद में हमने किया कि 10% की वृद्धि, तो 110 अपॉन में क्या किया हमने? 88। इक्वल में 15/64। देखिए, इक्वल में जो 15/64 प्राप्त हो रहा है, यही इस साइड में प्राप्त हो जाए लेफ्ट साइड में, तो हमारा ये मान सही है, वरना गलत है। देखिए, हमने काटा 11 एकम 11 0 आ गया, आगे 10 आ गया, 11 8 88, मन की 11 8 जा 88। तो 5 पे देखिए, 2 5 जा 10 है और 2 8 जा 16 है, और ऊपर देखिए 5 3 जा बच गया 15, नीचे 8 8 जा 64। तो इस साइड लेफ्ट साइड में भी ये आ गया 15/64, और राइट साइड में प्राप्त हो रहा था पहले से 15/64। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि हमारी ये भिन्न आई है, ये बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आ चुका, ये पटवारी में भी आया हुआ है क्वेश्चन, बैंक में भी आया हुआ है। देखिए, एक भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि करने तथा हर में 100% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 1 सही 1/20 प्राप्त होती है। क्या प्राप्त हो रही है? 1 सही 1/20 प्राप्त हो रही है। देखिए, 1 सही 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं? देखिए, मिश्रित भिन्न कर सकते हैं इसको। 20 एकम 20 पहले देखिए मल्टीप्लाई करते हैं, फिर ऊपर वाला जो एक है उसमें क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 20 एकम 20 20 में एक ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 21 में 21 अपॉन में क्या आ जाएगा? 20। तो मूल भिन्न पूछिए। देखिए, भिन्न हमने मान ली पी अपॉन क्यू, अब पी अपॉन क्यू सेम रहेगा, अंश में वृद्धि देखिए कितनी है, 200% की वृद्धि है, पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 200 ज्यादा तो कितना हो जाएगा? 300। हर में देखिए 100% की वृद्धि है, तो पहले 100 था, अब कितना हो जाएगा? 200। देखिए, इक्वल में क्या है? 1 सही 1/20, तो इसको हम क्या लिख देंगे? 21/20। देखिए, नीचे हमने क्या
पी अपन क्यू सेम है, 300/200 आ गया इक्वल में 21/20 आ गया। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा। अब देखिए अंश अंश अगर कट रहा है तो हम काट देंगे, देख कट रहा है 21 है वो 3 से कैंसिल हो रहा है, इसके टेबल में आता है तो 3 7 21 हो गया और 2 10 20 हो गया। तो इधर देखिए पी अपॉन क्यू है, इस साइड में क्या है 7/10 है, तो जिसके सामने जो मान है वही उसका मान है, पी का मान 7 क्यू का मान 10, तो अंश तो 7 है हर 10 है, तो क्या बन गए भिन्न बन गई 7/10। इसी प्रकार से हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं, पहले क्या था वैसे करना है, 7/10 भिन्न आई है और आगे आप देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, ये पहले आ चुका है परीक्षा में, एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि तथा हर में 150% की वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है, तो मूल भिन्न क्या है। देखिए मूल भिन्न पूछी है, वही प्रश्न वही है, भिन्न मान ली हमने पी अपॉन क्यू है, पी अपॉन क्यू मान ली तो अंश में क्या है 220% की वृद्धि है, तो पहले 100 था अब 220 ज्यादा है तो क्या हो जाएगा 320 अपॉन में हर के देखिए गुणा में क्या आएगा। देखिए 150% की वृद्धि बोल रहा है तो पहले 100 था अब 150 वृद्धि करेंगे तो क्या आ जाएगा 250 मतलब 250। देखिए इक्वल में परिणामी भिन्न क्या प्राप्त हो रही है 4/5 मतलब 4/5। देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगी। अब देखिए हमें अंश से अंश कट रहा है, देखिए इक्वल में तो 4 8 जा 32 और 5 5 जा 25। तो देखिए ऊपर तो देखिए P के मल्टीप्लाई में 8 है और Q के मल्टीप्लाई में नीचे क्या है 5 है, तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए तो ये 5 ऊपर हो जाएगा और 8 नीचे आएगा तो परिणामी भिन्न क्या आ जाएगी 5/8। इसी प्रकार से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पहले आ चुका, ये बैंक में बहुत बार आ चुका है ये प्रश्न। देखिए एक भिन्न के अंश में 25% की वृद्धि करने पर तथा हर दुगुना करें तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, तो मूल भिन्न क्या है। वही प्रश्न है, माना भिन्न हमने मान ली पी अपॉन क्यू है, तो पी अपॉन क्यू है तो अंश में कितने की वृद्धि हो रही है 25% की वृद्धि हो रही है, तो कितना हो जाएगा 125 हर दुगुना हो रहा है। देखिए 100 में हम 25% की वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में जोड़ रहे हैं, तो देखिए 125 हमने कर दिया, लेकिन दुगुना करेंगे तो 100 का क्या करेंगे दुगुना करेंगे कितना आ जाएगा 200। इक्वल में क्या प्राप्त हो रहा है 5/9। देखिए 25 5 125 25 28 200। देखिए 5 से 5 अंश कट रहा है वो काट दिया हमने। अब जो ये देखिए हर के मल्टीप्लाई में है, मैंने क्यू के मल्टीप्लाई में 8 है, ये अंश में जाएगा तो 8 ऊपर हो जाएगा, नीचे क्या है 9 है, तो ये भिन्न आ गई 8/9। देखिए भिन्न 8/9 आ गई तो हम इसको प्रूव कर सकते हैं, पहले मैंने बताया वैसे ही है, 8/9 है मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 25% की वृद्धि बता रहे कितने 125 दुगुना बता रहे तो 200 इक्वल 5/9 है। देखिए 5/9 है ये इस साइड है तो इस साइड भी 5/9 आना चाहिए, तो देखिए 8 से हम काटा तो 25 बार कटेगा, अब 25 5 125 है, ऊपर 5 है नीचे क्या है 9 है, तो इक्वल आ गया तो ये प्रूव हो गया। देखिए नेक्स्ट टाइप है 10, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है, बहुत बार क्वेश्चन आते हैं, अब मैं इस सूत्र से बताऊंगा और एक ट्रिक है उसे बताऊंगा, जिसको जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपए में 5 किलो संतरे कम खरीद पाता है, तो संतरे का प्रति किलो बढ़ा हुआ तथा पुराना मूल्य ज्ञात करो। देखिए बढ़ा हुआ मूल्य कब आएगा, पहले 100 था, बढ़ा हुआ मूल्य देखो 10% की वृद्धि हो रही है, ये बढ़ा हुआ मूल्य आएगा। देखिए घटने का मूल्य, पुराना मूल्य, प्रारंभिक मूल्य, पहले का मूल्य, भाई वृद्धि होने से पहले या कमी होने से पहले का मूल्य। देखिए वृद्धि या कमी, या वृद्धि होगी तो वृद्धि आ जाएगी, कमी होगी तो कमी आ जाएगी, गुणा में क्या है रुपये, जितने रुपए में ये खरीद रहा है वो रुपए, बटे में क्या आएगा वृद्धि या कमी, सो में क्या करेंगे ऐड करेंगे, देखिए कमी होगी तो माइनस करेंगे और वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, गुणा में क्या है कितने किलो है, संतरे हो चाहे चाय की खपत में चाय वाला हो कुछ भी हो, किलो आएगा, वृद्धि में प्लस कमी में माइनस है। फिर बढ़ा हुआ मूल्य, नया मूल्य, अंतिम मूल्य में क्या आएगा, उसमें सेम है नीचे ओनली सोम में वृद्धि या कमी नहीं करेंगे, और टोटल सूत्र क्या है
सेम है। देखिए 10% की वृद्धि हो रही है, पुराना मूल्य देखिए 10 गुणा में 270 अपॉन में क्या है 100 प्लस 10 गुणा में 5, तो ये कितना आ गया 10 गुणा 270 बटे में 110 गुणा 5। 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 5 से हमने 270 से काटा, देखिए 270 को काटा हमने कितना आया 54 आया, तो 54 बटे 11 आ गया, तो पुराना मूल्य कितना था 4.90 रुपए। नया मूल्य करेंगे, नया मूल्य देखिए सेम है वैसे, लेकिन 100 में से नीचे ऐड या माइनस नहीं करेंगे। 10 गुना 270 बटे 100 गुना 5, 1 जीरो ये कट गया, 1 जीरो ये कट गया, 27 बटे 5 है, कितना आ जाएगा 5.40। बढ़ा हुआ मूल्य कितना आ गया 5.40। ट्रिक देखिए सेकंड है, पहले क्या था 100 था, 10 की वृद्धि की तो कितना हो गया 110 हो गया। देखिए कम खरीद रहा है तो ये माइनस होगा, कम खरीद रहा है तो भाई देख 10% की वृद्धि होने पर उसके बाद में कम खरीद रहा है तो माइनस में कितना 10, 10 कम खरीदा है, 10 की वृद्धि है तो 10 कम खरीदा है, तो कम खरीदे तो माइनस, अधिक खरीदे तो प्लस करेंगे, तो माइनस के 10 बटे में कितना आएगा 110 पर खरीद रहा है। भाई पहले 100 था, वृद्धि होने के बाद में ये 270 रुपये में 5 किलो कम संतरे खरीद रहा है, तो देखिए 1 जीरो कट जाएगा, तो -1/11 आया। नीचे वाला क्या होगा, वास्तविक खपत आएगी हमेशा, अगर संख्या के प्रश्न पूछेगा अगली टाइप यही करवाएंगे, संख्या संबंधी करवाएंगे तो वास्तविक संख्या आएगी नीचे की। अब ऊपर देखिए कमी हो रही है, संतरे कम खरीद रहा है तो कमी हो रही है, तो -1 क्या आएगा कमी, तो 1 के ऊपर देखो 1 है तो 1 के बराबर कितना कम खरीद रहा है, ये 5 किलो कम खरीद रहा है, तो देखिए वास्तविक खपत क्या आएगी, 5 तो ये रहेगा 5 किलो है, नीचे वास्तविक खपत क्या है 11 है, तो 11 गुना हो जाएगा कितना हो जाएगा 55 किलो। वास्तविक मूल्य, मूल्य देखिए मूल्य क्या होगा, हमें मूल्य पूछा है बढ़ा हुआ और पुराना मूल्य, तो वास्तविक मूल्य क्या आएगा, जितने भी रुपए हैं उसमें कितने का भाग लगेगा जो हमने वास्तविक खपत निकाली है, रुपए हैं 270 रुपए बटे में क्या आ जाएगा 55, इसको हम काटेंगे तो देखिए 5 से काटते हैं तो 54/11 आ गए, 11 का अगर डिवाइड करेंगे क्या आ जाएगा 4.90 रुपए प्रति किलो, ये तो वास्तविक मूल्य आ गया। अब ताजा मूल्य, मतलब ताजा मूल्य देखो, पुराना मूल्य तो हमने देख लिया 4.90 आ गया, अब बढ़ा हुआ मूल्य नया मूल्य कौन सा है, नया मूल्य आएगा देखिए ताजा खपत कर रहे हैं, पहले खपत होती है तो 5 किलो, तो 5 किलो था ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला माइनस का है तो 11 में ये घट जाएगा, अगर प्लस होता तो जुड़ जाता, तो 10 गुना में क्या आएगा 5, 50 हो गया। अब वही बात है, ताजा मूल्य की बात करेंगे तो रुपये में इसका भाग देंगे तो 270 बटे में क्या आ जाएगा 50, 1 जीरो कट जाएगी, 27/5 है, देखो इस साइड में सूत्र से करे तो भी 27/5 आया था और ये पहले वाला 54/11 आया था, सेम है, देखिए ट्रिक दोनों ही सेम है ठीक है, सूत्र से करो तो सूत्र से कर लेना, अगर इससे करो तो इससे कर लेना, जो अच्छा लगे वो आप कर लेना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साग की कीमत में 10% की वृद्धि होती है तो एक ग्राहक 880 रुपये में 4 किलो चाय कम खरीदता है, तो चाय का बढ़ावा मूल्य और प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। देखिए पहले तो सूत्र से बताते हैं, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करेंगे तो वृद्धि कमी बता रखी है गुणा में रुपये है, 100 में वृद्धि कमी जोड़ेंगे या घटाएंगे गुणा में किलो है, तो 10% की वृद्धि होती है 10 आ जाए, गुणा में रुपये कितने हैं 880 रुपये हैं, बटे में वृद्धि है तो 10 जुड़ जाएगा ये, और कमी होती तो घट जाता, तो 100 में 10 जोड़े तो 110, गुणा में किलो कितने हैं 4 किलो चाय कम खरीद रहा है 4 है, 1 जीरो कट जाएगा 11/8/88, 1 जीरो है, 4 × 2 = 8, 20, 20 रुपए प्रति किलो ये प्रारंभिक मूल्य आ गया। अब बढ़ा हुआ मूल्य में 10% की वृद्धि हो रही है तब कितना हो रहा है, ये 10 गुना 880 बटे 100 गुना 4, 2 जीरो ये कट गई, 4 से काटेंगे तो 2200 क्या होते हैं 88, तो 22 रुपए प्रति किलो आ गया। ट्रिक सेकंड से करते हैं, तो पहले मूल्य क्या था 100 था, 10 की वृद्धि होगी तो 110 हो गया, लेकिन इसके बाद में क्या हुआ है कम खरीद रहा है तो माइनस के 10 की क्या हो गई कमी हो गई, तो -10 बटे किस पर हुई है भाई, वृद्धि होने के बाद में हुई है 110 पर, 0 से 0, -1/11 कमी, और वह नीचे वाली क्या मैंने बताया था वास्तविक खपत होगी नीचे वाली, तो क्या आया देखो कमी 1 है, 1 की कितनी कमी हो रही है 4 किलो चाय कम खरीद रहा है, तो 4 वास्तविक खपत क्या आ जाएगी 4 गुना
खपत कितनी है वास्तविक 11, तो 11 चौका 44, वास्तविक मूल्य कितना आ जाएगा रुपये बटे किलो, तो रुपये कितने 880 है बटे में क्या आ जाएगा 44, तो 44 × 88 = 20 रुपये प्रति किलो। ताजा खपत क्या आ जाएगी, देखिए 4 है कमी हो रही है तो 11 में एक घटाएंगे 10 × 10 = 40, ताजा मूल्य क्या आ जाएगा रुपये के बटे में 40 आ जाएगा 880 × 40, तो 22 रुपये प्रति किलो आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन हमने बताए आपको, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप बहुत अच्छी तरह से ढंग से चुटकियों में आप हल कर सकते हो इन क्वेश्चनों को। धन्यवाद और आगे करेंगे। समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। देखिए दोस्तों आज हमने दो टाइप किए हैं 9 और 10। देखिए दोस्तों इनमें बहुत ही अच्छी तरह से मैंने ट्रिक बताई है, आप चुटकियों में हल कर सकते हो। देखिए दोस्तों ये दोनों टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप हैं, बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं, भिन्न संबंधी क्वेश्चन है वो बैंकों में भी बहुत बार आते हैं, आप आराम से हल कर सकते हो, पटवारी में भी बहुत बार आते हैं, आप चुटकियों में हल कर सकते हो। किसी के समझ में आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।